हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाइट डिस्चार्ज को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, कि कौन सी व्हाइट डिस्चार्ज आपकी पीरियड्स आने के पहले होता है, कौन सी व्हाइट डिस्चार्ज मतलब कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। तो ये वीडियो भी मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है दोनों टाइम पे, उसी के बेस पे मैं बना रही हूँ। हो सकता है आपके कुछ अलग से कुछ अलग आपके एक्सपीरियंस है। तो देखिए, नॉर्मली पीरियड्स आने के टाइम पे जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है वो एवरी मंथ होता है, तो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं। मोस्टली पीरियड्स हो जाने के बाद 15-20 दिन तक कभी कोई व्हाइट डिस्चार्ज मुझे नहीं होता है। लगभग 15-20 दिन हो जाने के बाद थोड़ा सा मेरा पैंट जैसे गीला होने लगते हैं, वो जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा सा मतलब लाइट कलर का होता है। मुझे ऐसा होता है पैंट में थोड़ा वेटनेस फील होता है। हाँ, लेकिन उसमें एक डिफरेंस मैं जो हमेशा कर सकती हूँ, व्हाइट डिस्चार्ज के साथ साथ मेरे पीठ के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो मुझे एवरी मंथ ही फील होता है। तो वो पेन से मैं फील कर सकती हूँ कि ये पीरियड्स आने वाले हैं, पीरियड्स आने के पहले इसका सिम्टम्स है। अब अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूँ, देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, अगर आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद जाके मोस्टली व्हाइट डिस्चार्ज स्टार्ट होता है। शुरू में मुझे जैसे जब व्हाइट डिस्चार्ज होता था वो एकदम मिल्की व्हाइट कलर का होता है। स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा थीन होता है। मैं मोस्टली जब नहाने जाती थी तब वो ज़्यादा देखती थी, क्योंकि वो एकदम पानी के जैसा होता था। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है पीरियड्स आने के पहले डिस्चार्ज और प्रेगनेंसी के डिस्चार्ज में, वो होता है क्वांटिटी। पीरियड्स आने के पहले जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है वो उसका क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होता है, मुझे कभी नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हो तो उसमें जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब मोस्टली केसेस में हेवी फ्लो जैसा होता है। मैं जब नहाने के टाइम में मैं जो व्हाइट डिस्चार्ज होती थी, एकदम अर्ली प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ, तभी एकदम व्हाइट कलर का होता था एंड वो एकदम पानी के जैसा बहने लगता था। अब धीरे धीरे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी उसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, थोड़ा सा स्टिकी टाइप का होगा, मिल्की व्हाइट कलर का होगा। और एक बात, इससे कभी भी कोई स्मेल नहीं आता है, दिस इज कम्प्लीटली हार्मलेस। हर एक महिलाओं की अर्ली प्रेगनेंसी में थ्रू आउट प्रेगनेंसी 9 मंथ ही ये प्रॉब्लम होता है। सिर्फ आप एक बार नोटिस करना, वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा थीन रहता है, धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़ने लगते हैं और थोड़ा सा स्टिकी है, जैसे आपको हमेशा पैंटी गीला लगेगा। मोस्टली टाइम मेरा जो होता था, जो वेजाइना का जो वाल रहता था वो मोस्टली टाइम मेरे गीले ही रहते थे। पीरियड्स होने के पहले 4-5 दिन पहले वो होता था, 3-4 दिन तक स्टे करते थे, फिर पीरियड्स हो जाने के बाद कभी मुझे व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे आपने संबंध बनाया है, सो इम्प्लांटेशन की चांसेस है। तो आप अगर नोटिस करोगे तो आप देखना अधिक मात्रा में उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है एंड वो धीरे धीरे उसका जो थिकनेस है वो बढ़ने लगता है। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते आपका व्हाइट डिस्चार्ज होगा उसके बाद जाके बंद हो जाएगा, वो कंटिन्यूसली होते ही रहते। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि दैट यू आर प्रेग्नेंट। अब देखिए, दोनों में डिफरेंशिएट करना अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो मेरे एक्सपीरियंस से आपको दो ही चीज़ बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीरियड्स के पहले जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है उसमें आपको व्हाइट डिस्चार्ज के साथ साथ आपके जो पीछे का पोर्शन है वहाँ पे आपको दर्द महसूस होगा। जैसे मेरे पीठ पे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो मुझे मतलब जब से मेरा पीरियड हुआ है तब से ही होता है। व्हाइट डिस्चार्ज के साथ साथ अगर आपको ऐसे अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, पेन हो रहा है, दैट मीन्स वो आपका पीरियड आने वाला है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको बॉडी में हेवीनेस फील होता है कंसीव करने के बाद, लेकिन उसको पेन नहीं कहा जा सकता, वो एकदम अलग एक फीलिंग होता है, उसको पेन नहीं कहा जा सकता, उसमें कोई पेन नहीं है। और जो क्वांटिटी है वो पीरियड्स के पहले की जो व्हाइट डिस्चार्ज है उससे कहीं गुना ज़्यादा क्वांटिटी व्हाइट डिस्चार्ज होगा अगर आप प्रेग्नेंट हो तो। ये दो चीज़ों से आप इजीली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो
कि कौन सा वाला पीरियड्स आने का व्हाइट डिस्चार्ज है, कौन सा वाला आप अगर प्रेग्नेंट हो तो उसके रिलेटेड व्हाइट डिस्चार्ज है। प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी किसी महिलाओं की जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो थोड़ा सा येलो कलर का भी आता है, लाइट येलो कलर का भी आता है। देखिए मेरे टाइम पे मुझे कभी येलो कलर का व्हाइट डिस्चार्ज नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया था एकदम मिल्की व्हाइट कलर का पानी के जैसा मेरा होता था, वो जो नॉर्मल टाइम पे मुझे कभी नहीं आता है, वो खास करके मेरे इम्प्लांटेशन होने के बाद से ही हुआ था। धीरे 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 उसका थिकनेस बढ़ जाता था एंड ऑल टाइम उसी 24 आवर्स मुझे ऐसा नीचे फील होता था कि वेट है टोटली कम्प्लीटली 24 आवर्स से मेरे वेजाइना का जो वाल रहता था वो कम्प्लीट टोटली वेट रहता था। तो इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी टाइप की व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है जिससे कि आपको इचिंग का प्रॉब्लम हो रहा है या तो फिर कलर किसी अलग तरीके का है तो या तो फिर बहुत ज़्यादा उससे स्मेल आ रहा है, आपको बहुत इरिटेशन हो रहा है, तो ज़रूर आप अपने जो गायनोलॉजिस्ट है उनके साथ संपर्क कीजिए। इससे इन्फेक्शन की चांसेस है या तो फिर वो कोई अलग टाइप का डिजीज़ भी हो सकता है जिसके लिए आपको जल्द से जल्द अपने गायनोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। फ्रेंड्स ये तो था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो, आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा। हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।